बदलना चाहो भाग्य बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार के वास्ते। दोस्तों नमस्कार, पिछले दिनों हम लोगों ने बात की थी कि जो किसानों की उत्पादक कंपनियां हैं वो किस तरह से काम कर सकती हैं, कैसे उनकी रचना होती है। तो इस पर से बहुत सारी क्वेरी मुझे मिली, बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीफोन करके ये जानना चाहा कि बहुत सारी प्रोड्यूसर कंपनियां पहले से भी बनी हुई हैं और अभी सरकार और बनाने की कोशिश कर रही है, तो इनका बिजनेस प्लान कैसा हो, ये कंपनियां क्या काम करें, किसान क्या काम कर सकते हैं ताकि इन कंपनियों को लाभकारी ढंग से चलाया जा सके। तो हम लोगों का पुराना अनुभव है कि अगर एक कंपनी में लगभग 350 किसान सदस्य होते हैं और कंपनी प्रारंभिक रूप से खाद, बीज, दवाई, बायो, माइक्रोन्यूट्रेंट, मशीन उपकरण, पशु आहार ये अपने सदस्यों को बेचने का काम करते हैं, और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक जैसा है, अगर वो कोई फसल एक जैसे तरीके से उगाते हैं तो उसको सीधे होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर को बेचा जा सकता है। इसके अलावा अगर वो किसान चाहें तो बीज उत्पादन का काम हाथ में ले सकते हैं। देखिए, किसान खरीफ में सोयाबीन, धान, मक्का बोते हैं और रबी में गेहूं, चना वगैरह बोते हैं और इनके बीज वो बाज़ार से खरीदते हैं। पर किसान ये जानते हैं कि किसान ही बीज उत्पादक हैं और किसान ही बीज के कस्टमर हैं, वही उसके खरीददार हैं। तो अगर किसान अपने लिए बीज तैयार करते हैं तो उनको बीज सस्ता मिलेगा, क्वालिटी अच्छी होगी और उनको अतिरिक्त आमदनी इसमें हो सकती है। तो खाद, बीज, दवाई का जो बिजनेस है उसके लिए प्रोड्यूसर कंपनी को 3 लाइसेंस मुख्य रूप से लेना पड़ेंगे, एक खाद के लिए, एक पेस्टिसाइड के लिए और एक बीज के लिए। ये लाइसेंस उपसंचालक कृषि जो ज़िले में होते हैं उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो BSc AG, BSc बायोलॉजी या BSc सोशल फॉरेस्ट्री होने चाहिए। इसके अलावा यदि उन्हें भारत सरकार द्वारा अभी डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं वो डिप्लोमा कोर्स भी वो पास कर लेते हैं तो भी उनको लाइसेंस मिल सकता है। और ये लाइसेंस अगर उनके पास ये डिग्री नहीं है तो प्रोड्यूसर कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ काम पे रोजगार दे सकती है, काम पे लगा सकती है जिसके पास ये डिग्री हो। इसमें कोई भी लड़का, लड़की या कोई भी रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं जो प्रोड्यूसर कंपनी के साथ काम करें, तो उनकी डिग्री के आधार पर लाइसेंस बन जाते हैं और उन वो जानते भी हैं तो वो काम ये कर सकते हैं। दूसरे जो बीज उत्पादन का काम है ये दो तरीके से प्रोड्यूसर कंपनी कर सकती हैं। एक बीज उत्पादन वो अपने ब्रांड के लिए कर सकते हैं। अगर वो अपने ब्रांड के लिए बीज उत्पादन करते हैं तो उनको अपनी प्रोड्यूसर कंपनी को बीज प्रमाणीकरण संस्था जो राज्य स्तर पर होती है वहाँ पंजीकृत करवाना होता है और उस पंजीकरण के पश्चात उनको ज्ञात स्रोत से जो बीज है वो खरीदना पड़ेगा और इसमें बीज का निरीक्षण उनको कराना पड़ेगा। जिन सदस्यों में वो बीज उत्पादन कर रहे हैं उनका पंजीयन बीज प्रमाणीकरण संस्था में होगा और फिर उनसे बीज बायबैक करके उनको उस गोदाम में वो बीज रखना पड़ेगा जो उनने पंजीकृत किया हुआ है, तथा बीज का जब प्रसंस्करण होगा उसकी ग्रेडिंग होगी तो भी उनको उसी ग्रेडर का इस्तेमाल करना होता है जो बीज प्रमाणीकरण संस्था के यहाँ पंजीकृत होता है। तो वो खुद भी लगा सकते हैं, अगर उनके पास इतना पैसा नहीं है तो वो किसी भी व्यक्ति से जॉब वर्क ये काम करा सकते हैं, क्योंकि वो उनके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से ही बीज प्रमाणीकरण संस्था के पास
पंजीकृत लोग हैं, और फिर वो अपना ब्रांड बना के बीज प्रमाणीकरण संस्था से टैग उन्हें लेना होंगे, उनके बीज का जर्मिनेशन का परीक्षण होता है, उसके बाद रिपोर्ट आने पर टैग मिल जाते हैं, तो वो अपने ब्रांड में टैगिंग करके वो बीज अपने सदस्यों को भी बेच सकते हैं और बाज़ार में कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरे, अगर वो इतना अभी शुरू में निवेश नहीं कर सकते हैं तो वो किसी ऐसी कंपनी के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं जो बीज उत्पादन का काम करती हैं, तो उन कंपनी के लिए वो अपने मेंबर से बीज उत्पादन का काम कर सकते हैं, अपने किसानों को वहाँ उन कंपनी के साथ पंजीकृत करके, और जो प्रक्रिया मैंने बताई है बीज प्रमाणीकरण संस्था के यहाँ उनका पंजीकरण होता है, और वो बीज प्रमाणीकरण संस्था के साथ पंजीकरण के पश्चात जो संस्था के साथ उनने एग्रीमेंट किया है वो संस्था उनसे बीज खरीद लेती है, और जब संस्था बीज खरीदती है तो जो मंडी में ए ग्रेड का भाव होता है उससे सामान्यतः 250 से 300 रुपए या उससे भी ज़्यादा जो बीज उत्पादक किसान हैं उनको भुगतान मिलता है। इसमें शासकीय एजेंसियाँ भी हैं, जैसे NSC है, राज्य बीज निगम है, ये भी बीज उत्पादन का काम कराते हैं, तो उनके लिए भी वो ये काम कर सकते हैं, और निजी क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीज उत्पादन का काम करवाती हैं। तो अगर प्रोड्यूसर कंपनी ये तीन काम मुख्य रूप से शुरू में करते हैं, खाद बीज दवाई का व्यवसाय करते हैं जो अपने सदस्यों को देना है, और बीज उत्पादन का कार्यक्रम करते हैं, तो शुरुआती स्तर पर कम लागत से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इससे उनको अपने दैनिक खर्चे निकालने के लिए पर्याप्त आमदनी हो सकती है। ई फसल यहाँ ऐसी प्रोड्यूसर कंपनी या किसानों की मदद करती है जो इस तरह के काम में संलग्न हो सकते हैं। हम उनको फ्रेंचाइजी देते हैं और फ्रेंचाइजी देके उनको खाद बीज दवाई ये सब सप्लाई कराते हैं, और उनको किसी भी कंपनी की डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इससे उनका लाखों रुपए बच जाता है और वो इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरे, ई फसल खुद भी बीज बेचती है तो या तो वो बीज जो अपने लिए पैदा करना है उसको बेचने में मदद कर सकती है, या वो ऐसी कंपनियों के साथ इन किसानों को जोड़ सकती है, निजी और सरकारी कंपनी जो बीज प्रमाणीकरण का काम करती हैं, बीज उत्पादन का काम करती हैं, तो इन प्रोड्यूसर कंपनियों के किसान उनके साथ भी काम कर सकते हैं। सभी किसान के पास जानवर होते हैं और उन्हें पशु आहार लगता है, तो ई फसल द्वारा पशु आहार भी प्रदान किया जाता है, मशीन उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं, तो अगर वो अपने सदस्यों को ये सामग्री देना शुरू करते हैं तो इससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है और 4-5 लोगों को प्रोड्यूसर कंपनी में स्थायी रोजगार मिल सकता है। किसानों को अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद रीजनेबल प्राइस पर मिल जाते हैं, उचित मूल्य पे मिल जाते हैं, समय पे मिल जाते हैं, और उनको बायबैक की फैसिलिटी मिल जाने से उनका बीज उत्पादन करके अधिक कीमत उनको मिल सकती है, तो इससे सदस्यों की भी आमदनी बढ़ती है और प्रोड्यूसर कंपनी को भी अपना काम प्रारंभ करने में आसानी रहती है। मैं चाहता हूं कि जो लोग इस तरह के काम में जुड़ना चाहते हैं वो हमसे संपर्क करके मदद ले सकते हैं और ई फसल की सुविधाओं का वो लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।